सो गाइस आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं Redmi के Note 13 Pro डिवाइस के अंदर आपने फोन के अंदर डिवाइस कंट्रोल को ऑफ कैसे करेंगे। गाइस जो मैं प्रोसीजर आपको बताऊंगा इसको ऑफ करने का बताऊंगा, कंप्लीट वीडियो को देखना तभी आपको समझ में आ जाएगा। एंड इनेबल करने का भी प्रोसेस बताऊंगा, तो अगर आपको इनेबल करना है तो आप इसे इनेबल भी कर सकते हैं। वेल गाइस सबसे पहले तो हम बात करेंगे इनेबल करने की। इनेबल करने के लिए आपको यहाँ पर सेटिंग्स पर जाना है। इस टाइप से इंटरफेस मिलेगा आपका जो अबाउट फोन है, जैसे कि मेरे केस में क्या है कि अगर मैं इसके अबाउट सेक्शन पे जाता हूँ, जो ऊपर अबाउट फोन दिया हुआ है उसको जब हम प्रेस करते हैं ना, जो एंड्रॉइड वर्जन आपके पास है, जैसे एंड्रॉइड वर्जन पे क्लिक करना, जैसे हाइपर ओएस रन कर रहा है तो आपको एंड्रॉइड 14 का उसमें एंड्रॉइड वर्जन मिलेगा। उसको 5-6 बार क्लिक 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 करेंगे तो आ जाएगा उसका आइकन लोगो। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी केसों में क्या होता है, उसमें क्लोक होती है, उस क्लोक को इसे राउंड अप करना होता है। अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं तो इसको जस्ट प्रेस करते हैं एंड यहाँ पर देखेंगे हाइपर ओएस रन कर रहा है हमारे फोन के अंदर। इस तरीके से एंड्रॉइड वर्जन पर क्लिक करना है तो अभी क्या है कि इसमें देखो क्लोक का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ध्यान रखना इसमें नहीं आ रहा। तो अगर आपके पास 13 रन कर रहा है उसमें क्लोक का ऑप्शन होता है, और पोको और MI दोनों में आपको सेम फीचर मिलता है। अभी मैं पोको M6 में ये चीज करके दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी क्या है कि ये डिवाइस कंट्रोल आपको पोको एंड MI या किसी भी फोन में सब में मिल जाता है। तो अगर हम बात करें इसके यूज इंटरफेस की तो इसका यूज इंटरफेस हम देख लेते हैं पहले, ये है बट ये इनेबल नहीं है। अगर मैं इसको इस तरह से प्रेस करूँ तो इनेबल नहीं होगा, डायरेक्टली यहाँ पर आएगा। तो अभी क्या करते हैं MI होम पे चलेंगे तो इसमें देख सकते हो कुछ भी नहीं है। एंड यहाँ ऊपर जाते हैं एंड्रॉयड वाले में, यहाँ पर इस तरीके से 3 या 4 समथिंग इस तरह से ऑप्शन मिलते हैं। अगर सेव वगैरह कर भी देते हैं तो इसमें कोई भी एक्टिविटी हमें किसी भी ऑप्शन या एप्लीकेशन पे हमें नहीं दिखती है, तो इसीलिए लोग इरिटेट होते हैं और इसको बंद करने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें तो इसको इनेबल करने के, तो मैंने जो ऑप्शन आपको बताया था उस तरीके से ये ऑन होता है, बट इसके अंदर क्या होता है कि आप यहाँ से ऑन कर सकते हो हाइपर ओएस वालों में। 13 में क्लॉक के जरिए ऑन होता है और इसमें ऐसे हो जाता है। ये फोनों पर डिपेंड करता है, मैंने काफी सारे फोनों में देखा है कि क्लॉक को वहां पर मेंशन करते हैं, जैसे कि वीवो आईको हो गया और रेडमी और मे भी शायद पोको में इस तरीके से होता है। तो इसको लॉन्ग प्रेस करके अगर मैं वापस सुनूँ तो अभी अनचेक कर देता हूँ जो मैंने चेक मार करा था, इसको कट करते हैं एंड वापस इसी में चलते हैं। देखो यहाँ पर जाएंगे इस तरीके से प्रेस कर लेते हैं, जैसे हमने प्रेस करा अब यहाँ पर इसका जो डिसेबल करने का बटन था इस तरीके से हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब हमने रिमूव कर दिया, अब जो डिवाइस कंट्रोल था हमारे फ़ोन से इजीली ऑफ हो गया। तो आपको यही करना है, अपने फ़ोन के अंदर देखना है कि ये डिवाइस कंट्रोल को प्रेस करना है, उसमें देखना है कि कोई जो 3 ऑप्शन था उसमें से कोई ऑन है क्या। अगर ऑन होता है तो 3 डॉट का साइन जो हमने प्रेस करा उसको प्रेस करके उसको रिमूव कर दीजिएगा और आप अपने फोन से इजीली इस डिवाइस कंट्रोल को बंद भी कर सकते हैं।